हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रवीश कुमार मिश्रा, एचओडी. आई एम वर्किंग एज एचओडी फिजिक्स इन आरआईएस फरीदाबाद, आल्सो सेंटर हेड इन ब्रिलियंट ट्यूटोरियल फरीदाबाद. सो पिछले बार के बाद, जो इससे पहले मैंने वीडियो लेक्चर सबमिट किया था, उसमें हमने ये देखा था कि 2016 नीट के पेपर में फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन आए थे और उसे कैसे सॉल्व करें. आज मैं एक स्लाइड आपके सामने दिखाता हूँ, ऑल अबाउट क्रैकिंग नीट 2017-18. 17-18 मीन्स जो इस बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, और जो बच्चे इस समय क्लास 11th में हैं और वो 2018 के लिए कोशिश कर रहे हैं. तो इसमें हम जो आज इंक्लूड करेंगे, जो हमारे मेन मेन टॉपिक्स हैं, उसमें सबसे पहले तो हाउ टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सभी बच्चे सोचते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है. अगला, व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू बी कवर, कौन सा टॉपिक हमें कवर करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, या कौन सा कम इम्पॉर्टेंट है. अगला है, कट ऑफ क्या है. बहुत जनरल क्वेश्चन आते हैं कि कट ऑफ क्या है, अगर मैं कितना पढ़ाई करूँ, अगर मुझे रैंक चाहिए तो मिनिमम कट ऑफ कितना होना चाहिए. और उसके बाद हम ये देखेंगे कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे तो किस किस टॉपिक से ज़्यादा आते हैं. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि ट्रेंड क्या है उस एग्ज़ामिनेशन का, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, ईजीनेस कितना है उसका, डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, और क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं एक एस्पिरेंट से. तो ये सारा हम इसमें देखेंगे, लास्ट ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम विच टॉपिक. अगला है, व्हाट टाइम टेबल टू बी फॉलोड. आपको भी पता है, इस समय सभी बच्चे जो भी किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करना शुरू करते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो फेस करते हैं, वो है टाइम टेबल की. तो हम आज ये भी डिस्कस करेंगे कि टाइम टेबल कैसा रखना चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ाई करना चाहिए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन अपने आप को एकदम, एक तो सबसे पहले तो हेल्दी रहना पड़ेगा, अपने आप को फिट रखना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गिव एनी एग्जामिनेशन. तो हम इसमें ऐसा टाइम टेबल पर बात करेंगे जिससे एक स्टूडेंट ज़्यादा परेशान भी ना हो और वो बहुत ईजिली विथ इंटरेस्ट सिलेबस को कंप्लीट करे और क्रैक करे इस एग्जामिनेशन को. नेक्स्ट है, हाउ टू बूस्ट न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल. एज अ फिजिक्स टीचर, मुझे पता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो है फिजिक्स. रीज़न है उसका, बिकॉज फिजिक्स कहीं ना कहीं मैथ्स को भी इंक्लूड करता है, कहीं ना कहीं, जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया. पिछले अभी नीट 2016 में भी एक क्वेश्चन आया था 11 से, जिसमें डिस्प्लेसमेंट दिया था और वेलोसिटी निकालना था, वहाँ हमें डिफरेंशिएशन का यूज़ करना था. तो ज़्यादातर बच्चे फिजिक्स में इस बात से डरते हैं कि हम न्यूमेरिकल को अगर अटेम्प्ट करें तो कैसे करें. तो ये मैं इसमें डिस्कस करूँगा कि किसी भी न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और उसमें किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे, व्हाट कैन बी लेफ्ट एंड कैन नॉट. अभी मैंने इससे पहले यहाँ पे भी दिखा, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू बी कवर. इन एडिशन ये भी हम देखेंगे कि कौन सा हम छोड़ सकते हैं और कौन सा हम बिल्कुल भी छोड़, एक इसको तो पढ़ के ही जाना 100% एट द लास्ट डे, लास्ट टाइम, जिस दिन एग्जाम है आपका. तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स वॉच दिस वीडियो टू एक्सप्लोर मोर. सो दिस इज टॉपिक, हाउ टू क्रैक नीट 2017 विदाउट कोचिंग. And guidance is given by, yes, you got it, by me. Next, I will discuss about contents. Contents, we have syllabus discussion, number of question and type, marking scheme and qualifying marks, books to be studied, other support materials, chapter wise questions and their weightage in the NEET 2016. चैप्टर वाइज क्वेश्चन, देयर वेट इज इन नीट 2015 AIPMT, यानी हम लास्ट टू ईयर के पेपर को देखेंगे. ये नाम AIPMT, ये पहले स्टार्टिंग 2013 नीट था, देन इट हैज़ बीन चेंज टू AIPMT एंड अगेन नीट इज़ बैक. नेक्स्ट, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन.
अगला हम देखेंगे हाउ टू बूस्ट न्यूमेरिकल सॉल्विंग एप्टीट्यूड एंड लास्ट ऐप डिटेल एंड अदर हेल्प। और भी बहुत सारे जो FAQs हैं बच्चों के जो वो पुट फॉरवर्ड करते हैं कि सर अगर हम विदाउट कोचिंग अगर हम करना चाहें तो मटेरियल कहाँ से लें, गाइडेंस कहाँ से लें, तो इसकी बात के लिए हम लास्ट पेज में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो सबसे पहले जानो कि वो मांगता क्या है। तो आप इस स्लाइड में देखो, आपके सामने है फिजिक्स सिलेबस नीट 2017। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि जो नीट का एग्जामिनेशन है 10+2 के बाद होता है। ऑब्वियस सी बात है, इट विल ऑल्सो कंटेन बोथ दी सिलेबस फ्रॉम क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th। क्लास 11th में हमारे पास यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यूनिट 2 काइनामेटिक, यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, देन मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो हम यहाँ देखेंगे कि हम क्या लेफ्ट कर सकते हैं। अगला ग्रेविटेशन ईजी है, स्कोरिंग होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मटेरियल, थोड़ा सा लेंदी पार्ट है ये, इसमें भी हम सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्मोडाइनमिक बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थियरी, इसमें आप केमिस्ट्री अगर आपकी अच्छी है तो यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। और लास्ट है 11th के सिलेबस से ऑसिलेशन एंड वेव, वेव ऑसिलेशन में SHM, आपने पिछला अगर वीडियो देखा होगा तो आपने देखा कि ऑसिलेशन और वेव से दो क्वेश्चंस हमारे पास आए थे नीट 2016 में, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। सो नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट कंटेंट्स, इट इज़ ऑफ क्लास 12th। वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, अगेन करेंट इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल विल बी कमिंग। स्कोरिंग होता है, ईजी होता है ये भी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करेंट, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस यू कैन पार्शियली लीव इट। डिस्प्लेसमेंट करेंट एक्सेट्रा अगर आप पढ़ते हो, बाकी चीज़ें आप छोड़ सकते हो यहाँ पे। अगला ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है मेनली नीट के लिए। ऑप्टिक्स से और करेंट इलेक्ट्रिसिटी से अगर हम ट्रेंड देखें तो 12th से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगला डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ग्राफ। ग्राफ को तो हमें करना ही करना है, हम ग्राफ को यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं। अगला आइटम है न्यूक्लियर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कम्युनिकेशन चैप्टर जो क्लास 12th आपने CBSE 12th जब दिया था तो आपने पढ़ा होगा, वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 9 फ्रॉम क्लास 12th एंड 10 यूनिट, यानी टोटल 19 यूनिट हमें करना है अगर हमें नीट में सक्सेसफुल रैंक लाना है तो। नेक्स्ट है नंबर एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आप यहाँ देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नीट 2017 क्वेश्चन बुकलेट विल कंसिस्ट ऑफ 180 क्वेश्चन। 180 क्वेश्चन आते हैं, जिस इसमें 180 में ऑल थ्री सब्जेक्ट क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री सेक्शन। ये कंबाइन यू हैव 45 क्वेश्चंस ईच, देन यू विल हैव अ सेपरेट पेपर ऑफ बायोलॉजी सेक्शन विल बी कंप्राइजिंग ऑफ 90 क्वेश्चन। यानी कि आप देखो, बायो से जस्ट डबल, यानी कि 2 times स्कोरिंग है। और बायो में कट ऑफ भी बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि आपको पता अगर नीट की तैयारी कर रहा है तो बच्चा ऑब्वियस ही बात है बायो में बहुत अच्छा होता है। अगला अगर हम देखें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो नीट 2017 क्वेश्चन पेपर विल हैव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दैट इज MCQ ही आते हैं, विच मीन्स ईच क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 4 रिस्पॉन्स वेयर इन कैंडिडेट विल चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन नीट सिलेबस एज प्रेस्क्राइब बाय CBSE द एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी। और जो सिलेबस है फिजिक्स का हमने इन डिटेल अभी पीछे देखा था। अगला मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें, तो ईच क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ईच क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 4 marks। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 4 marks। माइनस मार्किंग भी है, -1 mark विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स और 9 marks विल बी अलॉटेड फॉर अनमार्क। तो अगर आपको कहीं पे किसी क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं है तो
instead of getting minus 1, you should leave the question so that no effect should be there in your total marks attained. नेक्स्ट, अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की देखें तो ये जनरल क्वालिफाइंग है. परसेंटाइल आपको पता होगा, परसेंटाइल मींस नॉट परसेंट. लेट सपोज आई हैव 1 to 100 स्टूडेंट्स, 1 to 100 स्टूडेंट्स, एंड आउट ऑफ दीज 1 to 100 स्टूडेंट एनी वन गॉट 50 मार्क्स आउट ऑफ 500, देन दिस 50 मार्क्स विल बी कंसीडर एज 100%. आप ये देखो 50, 550 कितना कम नंबर, बट चूंकि परसेंटाइल सिस्टम में दिस विल बी कंसीडर एज 100%, और उसके बाद सारी रैंकिंग बनती है. तो इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि 50% पाना, नहीं, हमें 50% लेनी है. अगला एसटीएससी ओबीसी का 40% लेते हैं, पीएच का 45th लेते हैं. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे बहुत आप इसे जरूर नोट करना और इसे 100% फॉलो करना है. डोंट लिसन टू लॉट ऑफ थिंग, डोंट गो फॉर लॉट ऑफ बुक्स, डोंट गो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल. हमेशा याद रखना, एक विनर का मोटिव होता है, एक विनर या जो टॉपर होता है वो एक बुक एन टाइम पढ़ता है, ना कि एन बुक वन टाइम. रिमेंबर इट, वन बुक यू शुड रीड वन बुक एन टाइम्स रेदर रीडिंग एन नंबर्स ऑफ बुक वन टाइम. सो बेस्ट फिजिक्स बुक फॉर AIPMT नीट प्रिपरेशन. देखिए इस पूरे स्लाइड में आपने देखा होगा ये NCERT फिजिक्स ये सबसे बड़ा लिखा हुआ है, यानी कि आपको इस पे ट्रस्ट करना है. दिस इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस, किसी की बातों में मत आओ. कभी भी ये मत सोचो कि एक अच्छा मॉड्यूल, एक अच्छा टेस्ट पेपर ही जरूरी होता है. सबसे पहले यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज. कोई भी अच्छी कोचिंग अगर आप लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आकाश, एलन, ये सभी सबसे पहले NCERT ही प्रीफर करने को आपको बोलेंगे. और एनीवेज अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो मैंने यहाँ पे वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दिया है, और लगातार इसमें पर डे हम कंटेंट देंगे, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले आपको NCERT फिजिक्स Part 1, Part 2 थॉरली 100% इसको करना है, ठीक है. आप जब इसको कर लोगे, आप उसके बाद कोई भी सैंपल पेपर या क्वेश्चन पेपर नीट का लेके बैठना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम NCERT. ओके, अब जब आप NCERT फिजिक्स Part 1 and Part 2 कंप्लीट कर लोगे, देन ओनली यू शुड गो फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय SC वर्मा, बोथ पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड सेकेंड DC पांडे ऑब्जेक्टिव फिजिक्स. ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको MCQs कम मिलेगा, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ पर ज़्यादा होगा. और आप अगर लेट सपोज आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लास्ट में जो मैंने ऐप है उसमें सोल्यूशन भी SC वर्मा का, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. बट इसके एग्जाम्पल एटलीस्ट आपको थॉरली पता होना चाहिए कि हम कोई भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स सॉल्व न्यूमेरिकल्स आर गिवेन इन SC वर्मा. नेक्स्ट DC पांडे, lot of things are there, lot of questions are there. ये आपका MCQ का जो pattern है, MCQ का जो एक skill होना चाहिए बच्चों को, सही समय पे सही decision लेना, या कई बार हमें 4 option है उसमें 1 को strike कर देना पड़ता है, या closest answer choose करना पड़ता है, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लगाने पड़ेंगे. और DC पांडे, I hope from my side more than enough. नेक्स्ट ऑप्शनल रीडिंग में अगर आप जाना चाहो, ऑप्शनल रीडिंग में यू कैन गो फॉर फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स बाय हॉलिडे रेसनिक, प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स बाय आई रेडो. जस्ट ऑप्शनल, मैं यहाँ चाहो तो मैं स्ट्राइक भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इसे करना ही करना है. दिस इज जस्ट ऑप्शनल रीडिंग. अगर आप इसको थॉरो कर लिए और यहाँ पर आप यू आर फीलिंग फुल कॉन्फिडेंस, देन यू कैन गो फॉर नेक्स्ट लेवल. और ये मैंडेटरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल. ओके, लेट्स डिस्कस चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन नीट 2016.
ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है नीट 2016 के पेपर में। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन आप देखने के बाद अगर आप चाहते हो कि नीट का पेपर फिजिक्स में कैसे आया और उसका सॉल्यूशन कैसे करें, तो आप मेरा वीडियो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसमें आपको एक वीडियो दिखेगा नीट 2016 पेपर डिस्कशन बाय आरके मिश्रा। वहाँ पर अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि कैसे किस तरीके से पेपर को सॉल्व किया जाता है, बहुत ही स्मूथली 100% ऐसे उसे सॉल्व किया गया है जैसे एक स्टूडेंट सॉल्व करता हो, इट्स नॉट लाइक एन एक्सपर्ट। ठीक है, तो प्लीज़ उसे आप देखिए और बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। एंड यू मस्ट ट्रस्ट किसी भी पे, अगर आप किसी पे भी फेथ करते हो, लेट सपोज यू आर हैविंग फेथ ऑन मी, तो इसे कंटिन्यू रखना होगा। यू हैव लॉट ऑफ पर्सन्स विल से लॉट ऑफ थिंग्स, आपको बहुत सारे बुक, बहुत सारे मॉड्यूल्स, बहुत सारी चीज़ें बोली जाएगी, बट अगर आप एक सही प्लेटफॉर्म पे लगातार फेथफुली अगर किसी को फॉलो करते हो, देन 100% यू विल गेट सक्सेस। और इसके बाद में वीडियो में आप देखोगे कि काफ़ी स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से इस 10 ईयर्स आई हैव एक्सपीरियंस इन कोचिंग सेक्टर, सो मैं टेस्टिमोनियल्स भी डालूंगा उन बच्चों का जो स्टार्टिंग में बहुत परेशान रहते थे, लेकिन उसके बाद वो कहीं ना कहीं जस्ट एक ट्रस्ट के ऊपर दे थॉरली वेंट थ्रू द प्रोसेस विथ मी एंड दे गॉट गुड मार्क्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर इन एम्स। मैं अगले वीडियो में उन बच्चों का फोटो टेस्टिमोनियल और गाइडेंस भी ऐड करूंगा। तो इसमें हम देखते हैं फिजिक्स, अभी बताया 45 क्वेश्चंस आक्स हुआ था, 180 मार्क्स का था। अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, सॉरी अल्टरनेटिंग करंट, अभी मैंने बताया था अल्टरनेटिंग करंट इम्पॉर्टेंट है, 12th का है, इसमें से 2 क्वेश्चन आया था, इसका मतलब 8 मार्क्स। उसमें भी मैं इसे थोड़ा डिटेलिंग कर दूं, ये 2 क्वेश्चन भी पावर पे आया था और पावर कैलकुलेशन पे आया था, यानी पावर का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस दैट इज यूनिट 2, यहाँ पर सॉरी यूनिट 1 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस चैप्टर में 1 क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। बेटा ये मत सोचना कि ये एक ही क्वेश्चन आया था तो इम्पोर्टेंट नहीं है, 1-1 मार्क्स इज इम्पोर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन, बिकॉज इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ 1 मार्क योर रैंक कैन बी वेरी फ्रॉम 1 to 500, सो रिमेंबर इट, इट्स अ टफ कॉम्पिटिशन बट बहुत ईजी से, बहुत, अगर आप अपना 100% पॉजिटिव एफर्ट देते हो तो 100% गॉड विल बी देयर विथ यू और आपको सेलेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन पे 3 क्वेश्चन आए थे, आप देखो अल्टरनेटिंग 2, कैपेसिटेंस 1, सर्कुलर मोशन 3, 11th का है सर्कुलर मोशन पार्ट। इसमें बैंकिंग ऑफ रोड आपने पढ़ा होगा, अगर आप नहीं पढ़े हो तो हम फिजिक्स के लेक्चर्स अपलोड करेंगे और उसमें हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि कैसे क्वेश्चंस को बनाते हैं, सिंपल होते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल एफर्ट करना होता है। अगला हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन से 1 क्वेश्चन, यानी ये सर्कुलर मोशन से जो 3 क्वेश्चन है उसको आप डिवाइड कर सकते हो बैंकिंग पे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पे और वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे। नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी अगेन 12th का पार्ट है, दैट इज यूनिट 2, यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन आया था यानी 8 मार्क्स का। इसमें क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से 1 क्वेश्चन और पावर कैलकुलेशन से, तो आप यहाँ ध्यान दो एक चीज़, अल्टरनेटिंग करंट से भी पावर और करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी पावर, मीन्स पावर इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट पोर्सन, इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैंने बताया था कि छोटा पार्ट है, आप डिस्प्लेसमेंट करंट अगर आप पढ़ते हो तो 90% डिस्प्लेसमेंट करंट से क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पे भी 1 ही क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज यूनिट 1 ऑफ क्लास 12, आप अगर CBSE 12th की तैयारी करते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मोर देन एनफ है, सिर्फ आपको टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर हम फोर्स की बात करें जनरली 15 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वहाँ से हमारे पास 2 क्वेश्चन था जिसमें कुलम्स लॉ, डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिखना नहीं लिखा हूँ, एक्चुअली कुलम्स लॉ फोर्स निकालने की बात होती है, दैट इज कैलकुलेट फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ कुलम्स लॉ, 2 क्वेश्चन आए थे।
अगेन इट्स 8 मार्क्स। नेक्स्ट है फ्लूइड मैकेनिक, बड़ा पार्ट है 11th क्लास का, इसमें से एक ही क्वेश्चन आया था, उसमें भी आर्किमेड प्रिंसिपल। आर्किमेड प्रिंसिपल का प्रूफ वैसे तो सीबीएसई में नहीं है क्लास 11th में, बट एप्लीकेशन हो गया, जैसे आर्किमेड बर्नौली प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन पे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं नीट और एआईपीएमटी में। अगर आप टॉर्सलीज एक्सपेरिमेंट ई फ्लक्स पे भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, जो हम 2015 2014 में भी, वो भी हम देखेंगे। एनी वेज 2016 में ओनली वन क्वेश्चन वॉज देयर फ्रॉम फ्लूइड। नेक्स्ट ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल मीन्स रे, हियर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट्स रे ऑप्टिक। रे ऑप्टिक में मैग्निफिकेशन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रिज्म, तीन क्वेश्चन तीनों अलग अलग पार्ट के। तो रे ऑप्टिक में आपको पता है जनरली, आप अभी अगर 12th की पढ़ाई कर रहे हो, टोटल ऑप्टिक दो पार्ट में डिवाइड है, वन इज रे ऑप्टिक, नेक्स्ट इज वे ऑप्टिक। रे ऑप्टिक में आपको मिरर, लेंस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और प्रिज्म, प्रिज्म में जिसमें हमें जो मेन होता है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है म्यू निकालना, म्यू विथ मिनिमम डेविएशन केस। वो हम जब अगले वीडियो में ऑप्टिक्स का वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम और इस पर डिस्कस करेंगे। अगला है ग्रेविटेशन, ईजी क्वेश्चन आते हैं, वेरिएशन ऑफ जी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पहले पूछते थे, बट पिछले 2 साल से इन्होंने स्केप वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल मीन्स थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, ये सैटेलाइट की बात करते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे हमें ध्यान देना होता है कि कब वो सरफेस के क्लोज है, तो एच रखना है नहीं रखना है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में, हम यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। अगला हीट ट्रांसफ़र, जिसमें कंडक्टिविटी, रेडिएशन और रेफ्रिजरेशन तीन क्वेश्चन थे। अगला मैग्नेटिज्म इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपको पता है चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक अर्थ मैग्नेटिज्म और एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें मैग्नेटिक फील्ड यानी बायो सावर्ट लॉ से कैलकुलेशन करना, लॉरेंज फोर्स से फोर्स डिस्कस करना, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। एनीवेज यहाँ पर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड से 2 क्वेश्चन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से 1 और सोलोनाइड से 1। सोलोनाइड हो गया, इनफाइनाइट टोराइड भी हो जाता है। अगला मैथमेटिकल टूल्स, ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं क्लास 11th के, इनका कोई बाउंड्री नहीं होता है, इसमें जनरली डायमेंशंस भी आ जाते हैं, वेक्टर्स की बात भी कर देते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे एक्सेलरेशन निकालना, वेलोसिटी निकालना एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, इसको भी हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं जो एक बच्चे को जरूर याद रखने चाहिए अगर वो नीट का एग्ज़ाम या आईआईटी का एग्ज़ाम देता है तो। अच्छा, इसमें वेक्टर अलजेब्रा आया था, 2 क्वेश्चन फ्रॉम वेक्टर। नेक्स्ट है मैं वेक्टर में मेनली आपका है रिजॉल्व करना, कंपोनेंट बनाना वेक्टर का, लामीज थ्योरम है जो इम्पॉर्टेंट है, आपका ट्रायंगल लॉ है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसे भी हम अपने वीडियो में इंक्लूड करेंगे। अगला मैकेनिक पार्ट, मैकेनिक पार्ट से 2 क्वेश्चन, 1 फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट मॉडर्न फिजिक्स से 3 क्वेश्चंस थे, मॉडर्न मीन्स एटम न्यूक्लियाई वाला पार्ट जो हो गया इसमें, और डुअल नेचर वाला पार्ट हो गया। डुअल में 2 ही पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा था, आप देखो वो वीडियो लेक्चर, उसमें आपको बहुत क्लियर है कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है, ईजी होते हैं और स्कोरिंग होते हैं। इसमें बोर मॉडल पे 1 क्वेश्चन, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल पे 1 क्वेश्चन, आई मीन डी ब्रॉगली प्रिंसिपल का मतलब वेवलेंथ, ज़्यादातर इसमें वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है। आप यहाँ पर डेविडसन जर्मर एक्सपेरिमेंट स्किप कर सकते हो इस चैप्टर से। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बट 2016 में नहीं आए थे, यहाँ पर आइंस्टीन इक्वेशन पे क्वेश्चन आए थे, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ग्राफ एज वेल एज आइंस्टीन इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा रिजिड बॉडी दैट इज रोटेशन, रोटेशन में 3 क्वेश्चन था, COM सेंटर ऑफ मास फाइंड करना, MI मूवमेंट ऑफ इनर्सिया और टॉर्क निकालना। अगला मॉडर्न फिजिक्स से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से 3 क्वेश्चन आए थे, सर्किट प्रॉब्लम, सर्किट में बहुत इजी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि आपको एक सर्किट दे देंगे और डायोड कनेक्ट कर देंगे, और उस डायोड से हमें ये देखना होता है अगर वो रिवर्स बायस में तो इट विल एक्ट लाइक ओपन सर्किट, वो पूरा रेजिस्टेंस या वो पूरा सर्किट वहाँ से हट जाता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस देते हैं, बट इजी होते हैं अगर आपको इस कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो हम वीडियो में अपने
अपडेट करेंगे। अच्छा, इसके लिए अगर आप चाहो तो SC वर्मा में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, क्योंकि NCERT में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बट SC वर्मा में आप देखो लास्ट पेज अपडेट हुआ है, दैट इज़ जो 2015 एडिशन जो अपडेट आया है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 35 क्वेश्चंस हैं उस लास्ट पेज पे जो आप ट्राई कर सकते हो। अगला लॉजिक गेट इजी क्वेश्चंस आते हैं, ट्रांजिस्टर, इस पे भी ग्राफ बेस्ड आ जाते हैं, एम्पलीफिकेशन। अगर हम नीट 2015 की बात करें, सो दिस इज नीट 2015 नॉट 16, ओके, दिस इज ऑफ 2015 वन, क्योंकि 16 अभी हमने डिस्कस किया है, ये रहा 16 हमने डिस्कस किया। 15 में SHM स्ट्रिंग पे वन, स्ट्रिंग वेव पे वन, साउंड वेव डॉपलर पे वन, रेजोनेंस, ओके सॉरी सॉरी, दिस इज 2016 इटसेल्फ, इसके बाद वाले में 2015 का, ठीक है। अभी ये कंटिन्यू है, यहाँ से देर आर 45 क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ SHM वेव से एक ही क्वेश्चन आया था जिसमें डॉपलर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने केसेस हैं आपको याद रखने होंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे सोर्स मूविंग, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, ऑब्जर्वर मूविंग, सोर्स इज एट रेस्ट, एंड लॉट ऑफ थिंग्स जो हम अपने वीडियो लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। ये आप छोड़ सकते हो, रेजोनेंस ट्यूब, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, रेयरली पूछ लिया इस बार इसने। अगला थर्मोडायनेमिक, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं थर्मोडायनेमिक में। आप बहुत इजीली अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स का इंटीग्रेटेड पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक, तो इट विल बी वेरी स्कोरिंग, और डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कोई भी इसमें परेशानी नहीं होगी, लेकिन केमिस्ट्री से इंटीग्रेटेड पढ़ना है इसको। अगला वेव ऑप्टिक्स से दो क्वेश्चन आया था, डिफ्रैक्शन, यंग डबल स्लिट, यंग तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्रिंज विड्थ निकालना, कोहरेंट सोर्सेस से क्या हो जाता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम मिनिमम पोजीशन फाइंड करना। इस बार भी आप अगर वीडियो लेक्चर देखो तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि आई मैक्स माइनस आई मिनिमम और आई मैक्स प्लस ए मिनिमम का रेशियो निकालो इन टर्म्स ऑफ एन, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने पेपर 2016 नीट डिस्कस किया है। तो इस तरीके से सारा टोटल मिला के इट्स 45 क्वेश्चंस विच हैव वेटेज ऑफ 180 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आ गया हमारा 2015 की बातें हैं, दिस इज ऑफ 2015। 2015 में मैकेनिक्स से 14 क्वेश्चन आया था जिसमें तीन तो बहुत इजी थे, सात एवरेज थे और चार डिफिकल्ट थे। इसका मतलब अगर लेट सपोज हमारा हीटिंग रेशियो इन चार से जीरो रहा तो भी हम सात और तीन यानी 10, 10 × 40 यानी कि यहाँ से हम ईजिली 40 मार्क्स गैदर कर सकते थे। नेक्स्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक में 9 क्वेश्चन था जिसमें इजी 3 थे, एवरेज 4 थे, डिफिकल्ट, फिर मैं कह रहा हूँ डिफिकल्ट लेट सपोज मैं छोड़ता हूँ तो भी आप 7 इज मोर देन एनफ टू गेट गुड मार्क्स, तो 7 × 4 हियर। अगला मॉडर्न फिजिक्स से 7 क्वेश्चन थे जिसमें 5 इजी, 2 एवरेज, तो लेट सपोज इसमें आई एम स्ट्राइकिंग आउट एवरेज, देन ऑल्सो यू विल गेट 5 × 4। नेक्स्ट 6 अगेन 4 इजी, 1 लेट सपोज आई एम स्ट्राइकिंग आउट दीज टू, अगेन आप इजली यहाँ 4 × 4। ऑप्टिक से ये दोनों ऑप्टिक एवरेज भी इजी होते हैं। नेक्स्ट SHM से मान लिया थोड़ा सा अगर इंटीग्रेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो इसे हम हटा देते हैं, दिस कैन बी ईजिली फेच यू 8 मार्क्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर 1 क्वेश्चन, इट वाज इजी, लेट सपोज इसको छोड़ते हैं। तो आप देखो अगर हम ऐसे कंसीडर करें, क्योंकि ये हमारी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आप सबसे पहले डिसाइड कर लो कि आपको टॉप करना है, क्लियर करना है, या मतलब आपका एम क्लियर होना चाहिए। अभी मैं सारे बच्चों के लिए इंक्लूड कर रहा हूँ जो हमारा लेक्चर है, फॉर अ टॉपर एज वेल, अगर किसी को एम्स में जाना है या एम्स की बात करनी है, एम्स के लिए अप्लाई करना है तो, और अगर आपको सिंपली किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में प्लेस करना है, सीट पाना है, तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। और ये तभी आपको पता चलेगा जब आपको क्लियर पिक्चर हो कि पेपर कैसे बनते हैं और वेटेज किस टाइप से, क्या क्या पढ़ा जाए और क्या क्या छोड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास मार्क रेंज, जो इस बार नीट 2016 का मार्क रेंज आया था, इसे मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता रखा है 50 परसेंटाइल, 40th। ये देखो जो मार्क्स आया था अनरिजर्व का, इट वाज वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, आप इसे क्विक लुक पॉज करके इस वीडियो को आप इसे ले सकते हो। वैसे ये नीट का नहीं है, आपका नीट ये होना चाहिए जो हमने पहले देख चुके हैं।
अगला है स्ट्रेटजी टू बी फॉलोड। अभी तक तो हम सिर्फ अपनी बात सोच रहे थे, प्लानिंग पे अभी हम नहीं पहुंचे हैं। इस पेस से हम एक प्लान्ड वे में आगे बढ़ेंगे कि ये तो चलो मेरे नॉलेज हो गया कि नीट पेपर ऐसे लेता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अब आगे कैसे बढ़ें, हाउ टू स्टार्ट विथ, हाउ टू स्टार्ट दिस बिग जर्नी। तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज आर के मिश्रा। हेलो, और यहाँ पर चलो ये तो आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर है फॉर क्रैकिंग नीट यू मस्ट बी स्मार्ट। अब आप बच्चे सोच रहे होंगे स्मार्ट, स्मार्ट मीन्स गुड लुकिंग, स्मार्ट मीन्स वेल ड्रेसअप, स्मार्ट मीन्स अकेले बैठना, हमेशा पढ़ते रहना, स्पेक्टल्स कहीं किसी से बातें नहीं करना, घूमने नहीं जाना। तो अगर आप स्मार्ट इसको समझते हो तो आंसर इज नो, दिस इज नॉट दैट स्ट्रेटजी। तो देखो आप इसको पॉज करके माइंड में सोचो, व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट, व्हाई द टीचर इज सेइंग यू टू बी स्मार्ट, स्मार्ट मीन्स गुड लुकिंग, नो। ठीक है, एक अलग अलग बैठ जाना, किसी से बात नहीं करना, मूवी नहीं देखना, अपने आप को इंटरटेन नहीं करना, तो ये स्मार्टनेस नहीं होती है। स्मार्टनेस मैं रिवील करता हूँ, सो लेट्स चेक इट आउट, व्हाट इज स्मार्ट इज। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है स्मार्ट का, दिस डेफिनेशन आई गॉट फ्रॉम वन ऑफ माई मेंटर। उनका नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा, एक्चुअली मैंने परमिशन नहीं ली है बट फिर भी मैं लेना चाहूँगा। हिज नेम इज़ डॉक्टर सीवी सिंह, ही इज़ प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर आई एम वर्किंग करेंटली। तो मैंने उनका एक मोटिवेशनल लेक्चर सुना था, तो उसमें बच्चों को इन्होंने बताया, तो मैं ज़रूर से इसे यहाँ पर वो करता हूँ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कर्टसी डॉक्टर सीवी सिंह, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ द RIS फरीदाबाद। नेक्स्ट, हियर इज द फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट, व्हाट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। S स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, गोल क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया टॉप करना है या क्रैक करना है सिर्फ एग्ज़ाम, या कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज चलेगा, या सिर्फ आपको एम्स में ही जाना है, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। यानी कि क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि क्या आपको करना है, उसी हिसाब से आप अपना स्ट्रेटजी बनाओ। बहुत ज़्यादा आप, और ये स्ट्रेटजी आप कैसे बना सकते हो, तो देखो आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता, याद रखना, नो बडी नोज। आप अपने आप को बहुत ईमानदारी से एक जगह शांति से बैठो और पूछो कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, क्या आप टाइम दे सकते हो, क्या आप कंसिस्टेंस रह सकते हो, क्या आप फेथ करके आगे बढ़ सकते हो। इफ योर आंसर इज यस, देन गो फॉर दिस वन। इफ नो, हमेशा एक प्लान बी होता लाइफ में, देयर इज प्लान बी। हमेशा सपने, अगर नीट क्लियर नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ एंड, नो, ऑलवेज देयर मस्ट बी अ प्लान बी। ठीक है, आपके बहुत सारे ऑप्शंस और भी खुलते हैं, बट अगर आपने बहुत क्लियर स्ट्रेटजी है कि नहीं मैं खुद को टाइम दूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं एक गाइडेंस में आगे बढ़ूंगा, आई विल ट्रस्ट टू माई टीचर, आई विल डू दी होमवर्क, आई विल डू दी रिक्वायर्ड थिंग्स, तो आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट एम, एम मीन्स मेजरेबल। देखो इसको भी मैंने स्पेसिफिक में क्लियर किया है, यू मस्ट बी मेजर कि आपको, लेट सपोज 500 का पेपर है तो 500 पाना है, या अगर 150 कट ऑफ है तो 200 पाना है। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। अगर आपकी कैपेबिलिटी 200 की है और आप इसके लिए ट्राई कर रहे हो और उतना एफर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो बेटर गो फॉर दिस वन ना। अभी मैं आपसे एक बात, लेट सपोज मैं आपको 10 यूनिट दिया पढ़ने को, जिसमें से 6 आप बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन आप अच्छा स्कोर करने के चक्कर में टोटल 10 करके गए, और उसकी वजह से जो आपको बहुत अच्छे चैप्टर्स आते थे उसको भी टाइम नहीं दे पाए रिवाइज में, देन क्या होगा ये आप सोचो। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलते हैं अटेनेबल, ये भी यही इंक्लूड हो जाता है। आप देखो पहले ही लाइन से सारे एक चैन है, पहले ही लाइन से सारी चीज़ें हैं। स्पेसिफिक हो, मेजरेबल करो, अटेंड होगा नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो उसके लिए प्लान भी रखना है। होगा वैसे अगर दिल से एक बात याद रखना कि अगर आपको लाइफ में मोटिवेशन चाहिए कंपटीशन के लिए, मुझे कंपटीशन निकालना है, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है योर पेरेंट्स फेस। अपने पेरेंट्स को देखो, आप ध्यान दो, कभी भी कभी किसी रेलवे स्टेशन पे जाके देखो कि कई बच्चे चाय बेचते मिलेंगे, कई बच्चे ऐसे रहेंगे जो हो सकता बहुत माइंड हो उनके अंदर, लेकिन चूंकि उनके पेरेंट्स उनका साथ नहीं दिए। तो अगर आपको कहीं पे भी डिमोरलाइज फील हो रहा है या लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऑलवेज टॉक टू योर पेरेंट्स। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमारा रेलेवेंट। ये अभी मैंने जो बात बताई, अभी जो हमने पिछला स्लाइड्स में डिस्कस किया कि क्या हम छोड़ सकते हैं, क्या हम पढ़ सकते हैं, किसमें हम डीप नॉलेज ले सकते हैं, किसको हम बाहरी बार सिर्फ स्टडी करके और आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए आपको रिलेवेंट मटेरियल जानना बहुत ज़रूरी है। रिलेवेंट में आपका सिलेबस भी आ जाता है, ट्रेंड्स भी आ जाता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हमने पिछले डिस्कस किए हैं वो भी आप देख सकते हो। टाइम बॉन्ड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइम बॉन्ड। कई बार हम जब टाइम टेबल बनाने बैठते हैं तो हम टाइम टेबल ऐसे बनाते हैं, 4 to 8 PM फिजिक्स, 9 to 2 मॉर्निंग मैथ बायो। अब एक बात आप बताओ, क्या इस टाइम बॉन्ड पे जेम्स बॉन्ड भी नहीं पढ़ सकता है? खुद एक टीचर मैं नहीं पढ़ पाता हूँ इतना लंबा। ऑलवेज गो फॉर शॉर्ट टाइम, वो अभी हम आगे देखेंगे। और अगर आपको कोई चीज़ कंप्लीट, और जब भी कोई टारगेट फिक्स करो, लेट सपोज 1 day 2 day 3 day 4 day, गिव 1 day रेस्ट। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि कॉपी फेंक दिए और सो गए, नहीं, रेस्ट का मतलब है लेट सपोज आपने इसमें कुछ पोर्शंस किसी कारणवश आपका लेट सपोज नहीं क्लियर हुआ या नहीं कंप्लीट हुआ, तो एक दिन आप उसको रख के रखो। तो इसे कहते हैं 5:1 hour days टाइम टेबल, यानी 5 work 1 rest। रेस्ट मीन्स आप फिर समझ गए होगे क्या कह रहा हूँ, रेस्ट मीन्स ये नहीं कि सो गए, नहीं, रेस्ट मीन्स ये 5 day का जो वर्क है। हाँ, अगर आप 5 day का वर्क 100% कंप्लीट किए हो, देन ये जो डे है रेस्ट डे, इसे आप कह सकते हो प्राइज डे। अपने आप को प्राइज करो, अपने आप को कुछ दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन, हाउ टू पुट 100% एफर्ट। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी बच्चा पढ़ने बैठता है वो कहता है हम कैसे अपना 100% एफर्ट्स दें। तो ध्यान से पढ़ो इसको, आप चाहो तो इसे पॉज भी कर सकते हो। तो प्रिपेयरिंग अ गुड नीट स्टडी टाइम टेबल इज इसेंशियल टू क्रैक नीट एग्जाम। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू इंक्लूड लॉन्ग आवर, जो अभी मैंने देखो यहाँ पे डिस्कस किया था, ये जेम्स बॉन्ड भी नहीं कर पाता है और शायद आइंस्टीन भी नहीं करता था। सॉरी, फिजिक्स में आइंस्टीन इज द फादर ऑफ फिजिक्स तो करता था, नहीं करते थे। गिव रिस्पेक्ट, आप भी सक्सेस हो जाओगे, आपको भी लोग रिस्पेक्ट देगा। ओके, और जब तक आप सक्सेस नहीं रहोगे, आपको पता है जितने साइंटिस्ट थे उनकी क्या हालत रहती थी जो सक्सेस नहीं थे। तो ठीक है, नेक्स्ट, इट इम्पॉर्टेंट नॉट टू इंक्लूड लॉन्ग आवर ऑफ स्टडी पीरियड, जेम्स बॉन्ड बनने की जरूरत नहीं है। नहीं पढ़ पाते हो मत पढ़ो, इट्स ओके, गो फॉर लिटिल वन, इंक्लूड लिटिल इंटरवल बिटवीन द स्टडी आवर्स। ठीक है, अगला, बेसिक रूल टू क्रैक एनी एग्जाम इज टू अंडरस्टैंड योर वीकनेस, भाई अपनी कमजोरी जानो। अभी मैंने बोला पिछले साइड में, आपको आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता है। आप अभी 12th का एग्जाम देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे तो ऑल 10 units वो करते हैं, बट उनका कई जगह मैग्नेटिज्म में प्रॉब्लम होता है, कई जगह उन्हें ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम होता है, बट वो पता नहीं लास्ट डे के लिए उसे ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो देखो बेटा, लास्ट डे कोई भी जादू नहीं होता है, सबसे पहले योर वीकनेस जानो और उसे पहले स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। जो आपका चीज अच्छा है तो अच्छा तो है ही है। क्रिकेट की आप बात देखो, सबसे पहले जो भी अच्छे क्रिकेटर हैं, जिस बॉल पे वो आउट होते हैं उसी को वो प्रैक्टिस करते हैं, और जिस बॉल पे वो सिक्स मारते हैं उसे नहीं, वो डेली प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है,
So is the case with NEET 2017. You must simultaneously make notes of important. ये बहुत important है, फॉर्मूले का एक नोट. वैसे तो मैं डाउनलोड कर दूंगा आपको चैप्टर वाइज फार्मूला, बट अपना भी एक फार्मूले की कॉपी छोटी बनाया करो. मान लो आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं भी आप जा रहे हो, तो जल्दी से आप उसे क्विक रेफर कर सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले जानना है किस चैप्टर का है, और जैसे ही चैप्टर जाना है फिर ये जानना है कि भाई उसमें फार्मूला क्या क्या लगता है. ठीक है, अगर मुझे कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा आता और मैं सोचा ओहो इसका फॉर्मूला तो भूल गया मैं, फिर कुछ भी नहीं होने वाला है. ये स्माइल क्रॉस होके क्या बन जाएगा? आंसू. नेक्स्ट पे चलते हैं. थर्ड, वंस थ्रू विद अ चैप्टर और कॉन्सेप्ट अटेम्प्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर जो मैं लोड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा. आप कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स ऐप पे भी, जो मेरा ऐप है उस पे भी आप जाके चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो. हम लास्ट स्लाइड में बात करेंगे. दिस इज़ द बेस्ट वे टू गोज इफ़ यू हैव लर्न द कॉन्सेप्ट वेल. अभी मैंने बताया था जैसे ही आप NCERT 1 और 2 थॉरली करो, तुरंत सैम्पल क्वेश्चन पेपर पढ़ो, ताकि आपको पता चले कि अब आपका प्रिपरेशन कहाँ तक है और अब आगे कौन सी बुक पढ़नी और क्या करना है हमें. ठीक है. फोर्थ है, मेक अ डेली टाइम टेबल एंड डू नॉट फॉरगेट टू इंक्लूड योर रिक्रिएशनल एक्टिविटी. अभी मैंने बताया था रिक्रिएशनल, अगर आप को टॉपर बनना है इसका ये मतलब नहीं. स्मार्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप एकदम किसी से, सॉरी, टॉपर का मतलब ये नहीं होता आप कोने में बैठे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, वो सब नहीं होता है. जितना फ्रेश रहोगे, जितना मेंटली है, जितना आप गुड सर्किल रखोगे, हेल्दी सर्किल रखोगे, जितना इंजॉय करोगे, उतना ज़्यादा आपको जर्नी अच्छी लगेगी. जैसे मान लिया मुझे, लेट सपोज मैं ट्रेन में बैठा और मैंने डिसाइड किया है कि मुझे एक फ्रेंड के शादी में जाना है, मैरिज अटेंड है, अब मुझे सीट नहीं मिलेगी तो भी मैं बड़ा आराम से उसमें बैठूंगा. क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में एक एम है और उसी को लेके मैं इंजॉय करता रहूँगा. ठीक है, रास्ते में कहीं भी इंटरटेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं ऑलरेडी इंटरटेन हूँ. लेकिन वही मैंने आपसे बोला, फिर यही सिचुएशन देखो, आपको जबरदस्ती मैं बोलूं कि बेटा आप जाओ वहाँ से, पर्टिकुलर प्लेस से जाओ और वहाँ से ये सामान लेके आओ, अब आप क्या करोगे? तुरंत कहोगे पापा या सर मेरे पास ये नहीं मिला, ऑटो नहीं मिला, बहुत ज़्यादा जाम है मार्केट में, मुझे ये काम है. तो क्लियर हुआ, पहले सेल्फ मोटिवेटेड, तभी रिक्रिएशनल सब भी समझ में आएगा. ये देखो, ये ग्रीन में लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. सफल दी सब्जेक्ट सो दैट यू डू नॉट गेट बोर. अगर आपको फिजिक्स पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हो, केमिस्ट्री उठा लो, केमिस्ट्री से बोर हो रहे हो बायो उठा लो. बट ये नहीं कि एक ही को लेके आप बैठे हो. ज़्यादातर बच्चे जो नीट की तैयारी करते हैं बायोलॉजी लेके बैठते हैं. लास्ट महीने में फिजिक्स के जादू का वेट करते हैं. कोई जादू होगा ऐसा कुछ भी नहीं है. फिजिक्स में थोड़ा सा दिमाग को खपाओ और जब थक जाओ तो बीच में बायो लाओ, फिर केमिस्ट्री लाओ. तो देखो PBC, आपने सुना भी होगा, कहीं भी बात होती है नॉन मेडिकल की तो इट्स PCM या PCB. ये ऐसे नहीं बनाया जाता है, जबकि आप देखो B पहले आता लेटर में, C बाद में आता, P लास्ट में. बट किसी भी नाम में, चाहे वो नॉन मेडिकल हो मेडिकल हो, क्या बोलते हो आप? PCM. सो फिजिक्स को प्रिफर किया करो पहले. प्रिफर बोले तो जैसे ही आपका माइंड फ्रेश है सबसे पहले फिजिक्स लेके बैठो, क्योंकि ये आपके माइंड को टेंशन देगा. नेक्स्ट पे चलते हैं. हाउ टू बूस्ट न्यूमेरिकल. ये हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, सर न्यूमेरिकल नहीं लगता है, कैसे लगाएं? तो आप अभी पिछला वीडियो आप देखो, उसमें मैंने भी अभी बताया. कोई मैं एक्सपर्ट की तरह उसको नहीं लगाया हूँ, जस्ट एज अ स्टूडेंट लगाया हूँ. ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन मिले घबराओ मत, कि ज़्यादातर बच्चे बायो के ये सोचते हो न्यूमेरिकल आ गया क्या करें अब. डोंट गेट पैनिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड सिचुएशन, सिचुएशन बनाओ. आपने देखा होगा वीडियो लेक्चर जो मैंने नीट के पेपर डिस्कस किए हैं, ऑप्टिक के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले फिगर बनाया था, अगर फिगर नहीं तो आंसर नहीं. अगला रीड क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ो. वहां पर क्या करते हैं वो लोग, दो चीज़ तो ऐसा दे देंगे जिससे न्यूमेरिकल लगेगा, एक चीज़ फालतू दे देंगे. तो जो ओवर स्मार्ट बच्चे होते हैं वो इस एक चीज़ को लेके फंसे रहते हैं, क्योंकि उन्हें, अगर मैं अचानक आपसे कम टिप बोलूँ कि आपको मैं नीट का पेपर दे रहा हूँ और उसमें लिख दूँ 2+2 × 3,
तो देखो, जो ओवर स्मार्ट बच्चे हैं वो क्या सोचेंगे कि 2 + 6 इज नॉट द 8 इज नॉट द आंसर, क्योंकि ये नीट है, पक्का कुछ और पूछा जाएगा। बस वो कुछ और करने बैठेंगे और वहीं पे -1, और कुछ नहीं मिलता उन्हें। ठीक है, तो रीड क्वेश्चन केयरफुली, पहले से एज्यूम नहीं करना चाहिए टफ है। जैसे आप देखो, डोंट पैनिक का मतलब यही है, पहले से एज्यूम नहीं करना चाहिए, लेंदी है। कई बार तो इतना बड़ा क्वेश्चन होता है और 2 लाइन का आंसर, तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है क्वेश्चन, कि कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा। ऐसा नहीं है, डोंट गेट पैनिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, सारा इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करो। ऑर्गेनाइज बोले तो गिवन डाटा सारे लिख लो, स्केच द सीन, ये रहा ड्राइंग राम बनाओ, ठीक है, वेरीफाई यूनिट। अच्छा एक और चीज़ देखो, कई बार सेंटीमीटर, मीटर, केजी, ग्राम, इन सबको कन्वर्ट करो, ठीक, क्योंकि कई बार क्लूज आंसर्स में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कंसीडर योर फॉर्मूलाज, पहले ही लिख लो क्या लगाने वाले हैं या क्या क्या पूछता है, और सॉल्व। तो ये देखो, ये कितना इजी है, जस्ट 1 2 3 4 5 वर्ड सॉल्व। इस 5 वर्ड में ऊपर 7 कर लिए तो ये सॉल्व होना है, क्यों नहीं सॉल्व होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं बाहर से आदमी इम्पोर्ट होके आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत इजी होता है न्यूमेरिकल, बस आपको एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए। और अगर आप एक लगा लिए खुश मत हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस 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 इन्फिनिटी। तो नहीं, मैं लिखूँगा 50 लिख देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड करो इसको, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कीप ऑन प्रैक्टिस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टार्ट विथ सॉल्व एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी, न्यूमेरिकल लगाना है, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में आइडिया लग जाएगा। जैसे आप थॉरली एनसीईआरटी पहुंच जाओगे, न्यूमेरिकल के भाई साहब एससी वर्मा साहब की बुक, ही इज ऑल्सो अ फादर ऑफ फिजिक्स, ठीक है, उन्हें हम ये भी कह सकते हैं फादर ऑफ न्यूमेरिकल्स, तो वहाँ से आप ले सकते हो। और डी सी पांडे जी हैं, डी सी पांडे बहुत ही लूसेड बुक है, एमसीक्यू अगर आपको लगाना है और कुछ भी नहीं चाहिए। डी सी पांडे जितने मॉड्यूल भी बनते हो ज़्यादातर डी सी पांडे के ही बेस्ड बनते हैं। अब आप देखो, यू कैन रेफर टू नीट 2016 पेपर डिस्कशन बाय आर के मिश्रा वीडियो टू नो, अभी मैंने बताया था, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन किया हूँ मैं वहाँ पे, मैं कोई भी एक्सपर्ट की राय या ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट एज अ स्टूडेंट वी हैव सॉल्व इट। ठीक है, ये देखो, 5 5 अप्रोच टू डेली प्रॉब्लम, 5 हर दिन, ये ऐसा नहीं न्यूमेरिकल के लिए ही, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, सर मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, सर नहीं कर पाऊँगा, सर अब क्या करें, सर रिलेटिव आ गए घर पे, माहौल नहीं बन रहा है, सर स्कूल में एग्ज़ाम है, सर ट्यूशन में कुछ और पढ़ा दिए गए, सर वीडियो कुछ क्लियर नहीं हुआ। तो याद रखना, 5 5, इंटेंशन रखना चाहिए पॉजिटिव, सेट द गोल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरेस्ट, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, वेयर डू यू सी द प्रॉब्लम इन द प्रोसेस, इन्वेस्टिगेट, व्हाट इज़ द रूट कॉज, क्यों आ रहा है प्रॉब्लम, इंटरवेन, लिमिट द इफेक्ट ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है तो उसके इफेक्ट को कम करो, उसे और हाइपर मत बन जा रही, ये प्रॉब्लम है इसको कैसे निपटें, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इम्प्लीमेंट, उसको इम्प्लीमेंट कर दो ताकि अगली बार वो प्रॉब्लम नहीं हो। एक ही प्रॉब्लम है, डेली रोने से अच्छा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व नहीं हो रहा है मिनिमाइज करो। मान लो आप पढ़ते पढ़ते आप सो जा रहे हो, या आप पढ़ते पढ़ते कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, कोई नहीं, कई चीज़ें इस वीडियो में दी गई हैं, उसको प्रैक्टिस करो, मूवी देखने बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या बोला, आप जब सक्सेस हो जाओगे तो यही सारी चीज़ें बूस्ट हो जाएंगी, यही सारी चीज़ें आपके प्लस पॉइंट होंगी, कि मैं तो मूवी भी देख देख के पढ़ाई किया। और अगर आप सक्सेस नहीं होते हो तो आप चाहे कोने में बैठ के पढ़े हो, वही ड्रॉबैक हो जाएगा, लोग कहेंगे ये तो घर से निकलता ही नहीं था, जाने क्या कर रहा है, ये पढ़ता नहीं, पढ़ता था या सोता था ये भी नहीं पता। तो बेटा, इसलिए सक्सेस मिलेगा, सब मिल जाएगा, और सक्सेस कैसे मिलेगा, मेहनत करके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, अच्छा वीडियो, ये आप बहुत ज़रूरी है, इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप हमेशा सर्च, लगातार वीडियोस बनते हैं, आप लगातार सर्च नहीं कर सकते हो, कई बार टैग्स नहीं होते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको अलर्ट आते रहेगा, क्योंकि पर डे या 2 डे या वीकली 1 लेक्चर वीडियो विल बी अपलोडेड। तो सब्सक्राइब टू गेट वीडियो लेक्चर फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट 1718 बाय आर के मिश्रा। अच्छा एक चीज़ ये आप कर सकते हो, फ्री है, फ्री
पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, डोंट वरी, सब फ्री है। डाउनलोड ऐप फॉर बिल्डिंग योर पार्ट टू गेट थ्रू नीट एग्जामिनेशन। अगर आप एंड्रॉयड है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स टाइप करो, आर के मिश्रा, वहाँ पर ऐप आ जाएगा, डाउनलोड करो। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। अगर आप एप्पल यूज़र हो, आईट्यून पे जाओ, कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स टाइप करो और अगेन वहाँ पर ऐप आ जाएगा। अभी मैं उसका एक स्नैपशॉट दिखा देता हूँ। क्या क्या वहाँ मिलेगा? बेस्ट नोट, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, ट्रेंड्स, लाइव चैट, सपोर्ट, डेली अपडेट, सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मच मोर। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब करो इसको और थोड़ा सा और वॉच करो ऐप, क्योंकि ऐप ज़रूरी है। अगर आपको साथ में क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी अपडेट करना लगातार, तो ऐप भी डाउनलोड करो। तो चेक इट आउट, हाउ टू गो टू ऐप सॉल्यूशंस। इसमें आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। लाइव चैट ऑप्शन है, लाइव चैट इंपॉर्टेंट लिंक, रजिस्टर विद अस, यहाँ पर जी सॉल्यूशन, एस सी वर्मा, ब्लॉग एंड फोरम, लेटेस्ट, लाइक अस और कॉन्सेप्ट ऑफ 12th, लॉट ऑफ थिंग्स है और लगातार अपडेट भी होता है। ठीक है, ये रहा मटेरियल, आप इसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो विदाउट किसी प्रॉब्लम। ठीक है, सो होप यू एंजॉयड द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और कोई भी कमेंट हो, पॉजिटिव कमेंट, ठीक है, आप कोई भी कमेंट हो प्लीज़ राइट इट डाउन। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।